सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान यहाँ दौरा करने के लिए आया है। खुफिया मालूमात के मुताबिक यहाँ पे एक धमाका होगा। ये क्या हुआ? लेकिन सुल्तानी मौसम महल में नहीं है। एक दौर खत्म हो गया, सुल्तान अब्दुल हमीद मर गया। जाओ और ये खबर फौरन अखबार तक पहुँचाओ। अगर सुल्तान मौसम मर गया तो हमें मालूम करना होगा कि उनका कातिल कौन है। चलो चलो मालूम करते हैं। बहुत खुशी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्दुल हमीद मर चुका है। क्या मतलब? तुम उसे मारने में कामयाब हो गए? आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम आपके मुखालिफिन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। सब लोग सड़कों पर आ गए हैं रियासत के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए और उनसे लड़ने के लिए जो आपसे गद्दारी करते हैं। अब्दुल हमीद मरा नहीं, जिंदा है। करासो, आपको एक खुशी की खबर देनी है। बाबा खैरियत से हैं? जी हाँ, वो महल आ गए हैं और जल्द हमसे मिलने आएंगे। हमें वापस चलना चाहिए सुल्ताना, आपको फौरन तबीब से मुआयना करवाना होगा। क्या आपको मालूम है कि धमाका कहाँ हुआ? सुल्तान मौसम, वो छावनी जो बंद थी, धमाका वहाँ हुआ है। हर किसी ने सुन लिया है कि अब्दुल हमीद जिंदा है। उसकी मौत की खबर सुनकर हजारों लोग सड़कों पर निकल आए थे। मेरा मकसद अपने मेसन भाइयों को ये दिखाना था कि दरअसल अब्दुल हमीद को कत्ल करना किसी मसले का हल नहीं है। कमांडर, कमांडर आप ठीक तो है ना? आप मुस्तकबिल की उम्मीद है अहमद रजा साहब। आपने मेरे पास मनियास रफीक साहब को भेजा, लेकिन मुझे उनकी बातों पर कुछ एतराज और शक है। तो तुम मैसन पाशा के लिए काम करते थे, उसके खास आदमी हुआ करते थे। मैंने आपको भी कई अहकाम भेजे हैं। अहकाम? अब आपका क्या हुक्म है? मुझे एक टेलीग्राम भेजना है। किस किस्म के आदमी हो तुम मनियास? क्या लगता है कि मुझे हुक्म दे सकते हो तुम? मुझे सिर्फ मैसन पाशा हुक्म दे सकता था। तुम बस एक मोहरा हो जिसे उसने इस्तेमाल किया। नहीं, मेरा मतलब है कि हम एक ही तरफ है। कैसे एक तरफ है हम? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अब मेरे लिए काम करोगे तुम, समझ गए? चलो जाओ, टेलीग्राम भेजो अपना और सोचो कि किस तरह खिदमत सर अंजाम दोगे तुम। सोचो, मुझे अहकाम देगा। मेरे अजीज दोस्त, आज़ादी की उम्मीद अहमद रजा साहब, मैं बरतानवी सिफारत खाने में हूँ। एक हादसे ने मुझे यहाँ धकेल दिया है। अब आपका क्या हुक्म है?
मेरे अजीज दोस्त अहमद जलालुद्दीन पाशा, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। मैसन भी बिल्कुल हमारी तरह ही सुल्तान अब्दुल हमीद को तख्त से हटाना चाहते हैं। यकीनन हम मैसन के इत्तेहादी नहीं हैं, लेकिन हम दोनों का एक मुश्तरका हदफ है जो हम मिलकर हासिल कर सकते हैं। मनियास रफीक साहब मैसन पाशा की मुआवनत इसलिए कर रहे थे ताकि मैसन पाशा इस हदफ को हासिल करने में हमारी मदद कर सके। आप इसी तरह मुकम्मल खुलूस के साथ अब्दुल हमीद के लिए खिदमात सरंजाम देते रहें जब तक आपको अगला हुक्म नहीं मिल जाता। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप बेनकाब ना हो। हम जल्द अपनी आजाद रियासत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। मनियास रफीक साहब, आपसे पहले अहमद पाशा ने हमें एक टेलीग्राम भेजा। अहमद पाशा इस वक्त अब्दुल हमीद के करीब हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी शनाख्त खुफिया रखना ज़रूरी है। हमने अहमद पाशा को कहा है कि वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए महल में अब्दुल हमीद से वफादारी जाहिर करते हुए फ़राइज़ पूरे करते रहें। अहमद पाशा के बारे में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। सबाहतीन, हम आपके लिए परेशान हो रहे थे। हमें लगा पाया तख्त में घूमते हुए कहीं जासूसों ने आपको पकड़ न लिया हो। बस कुछ काम था, वही निमटा कर आ रहा हूँ। थक चुका हूँ बहुत, थोड़ा आराम करूँगा फिर कहीं जाना है मुझे। अब ये किन चक्करों में है? मालूम नहीं, अजीब बात है। बाज़ुकात इंतहाई मजबूत दिखाई देते हैं और बाज़ुकात हवा के जोर पे चलते पत्ते की मानिंद लगते हैं। जहाँ हवा ले जाए वहाँ चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए फियादा। इनकलाब के लिए साबित कदम रहना जरूरी है। अपने हदफ पर पूरी तवज्जो होनी चाहिए। पाए तख्त में अब एक फ्रांसीसी मकतब का उस्ताद, एक खतरनाक जंगजू और एक सहाफी आपके हुक्म के मुंतजर है। अगर आप ना होती तो मैं उन लोगों को कभी कायल नहीं कर पाता। अब हमारे पास मौका है कि फ्रांसीसी मकतब में और अरबी में तुलबा को अपनी इशाहतें पढ़ने के लिए बआसानी दे सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपका शुक्रिया। अब आप क्या करेंगे? सेलानिक में कुछ ख़ास लोग हैं, उनसे मुलाकात करके तंजीम का मरकज़ कायम करूँगा मैं। यूरोप के हिस्स बाजार जैसी सरगर्मियाँ बहुत जल्द अब यहाँ पर भी मुतवक्के हैं। सिमसार बहुत जिक्र कर रहा था कि कम वक्त में हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अल्लाह का शुक्र है आलिया, सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। सालिया सुल्तान महल से जा चुकी हैं, माशी हालात भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। वालिदा महल वापस आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? तबीबों को खबर करें, किसी को मदद के लिए बुलाएं जल्दी। हौसला रखें सुल्ताना, तबीबा आ रही हैं, हौसला रखें। इम्साल खात्मा, सालिया सुल्तान को क्या हुआ? रास्ते में सुल्ताना की तबीयत बिगड़ गई जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। सुल्तान मौजम आइए बेटे। बदकिस्मती से हम पाशा को फरार होने से नहीं रोक पाए। उन्होंने फरार होने का एक बेअब मंसूबा बनाया था, मगर आपने देख लिया कि वो सलीम पाशा थे। लेकिन अब वो एक अजीम लाज का हिस्सा है। अब दुश्मन मजबूत हो गए हैं। बैठिए बेटा,
सुल्तान मौसम, हमारे जहन में एक मंसूबा है। बताइए। बर्तानिया में क्याम के दौरान हमने एक बार मैसन लाज में शामिल होने की कोशिश की थी। नतीजा? हम नाकाम हो गए। मैसन का हिस्सा बनने के लिए हकीकी तौर पर उनका कारकुन बनना जरूरी था, लेकिन इस मामले की तहकीकात के दौरान हमें खबर मिली कि मैसन की एक मजलिस में बरकियाती लाइन को बिछाया जा रहा है। हम मजदूर की हैसियत से लाज में दाखिल होंगे। हमने उस लाइन के साथ ही खुफिया टेलीफोन लाइन मुंसलिक कर दी थी। आवाज को सुनना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर फिर भी कुछ बातें सुनी। क्या सुना आपने? हमने जो सुना उसका वहां तो कोई मफहूम समझ ना आया, लेकिन जनाब हेकलर का नाम हमने पहली बार उस मजलिस में सुना था। हेकलर मैसन है? जी हाँ। हम इतना तो जानते थे कि मैसन ने हेकलर को रूसियों से बचाया है, लेकिन हेकलर का मैसन होना अजीब बात है। सुल्तान मौसम, हमने जो बातें सुनी उसे जाहिर हो रहा था कि बरतानवी हुकूमत जापान के साथ कुछ उमूर पर इत्तेहाद कर रही है। हमें वो उमूर मालूम है। बरतानवी हुकूमत रूसियों के खिलाफ जापान को खुफिया इमदाद फराहम कर रही है, लेकिन इस बारे में हमारे पास कोई दस्तावेज या कोई और सबूत नहीं है। बाबा, जो हमने सुना उसका सबूत हो सकता है। क्या सुना है आपने? उनकी बातें हम नहीं सुन सके, लेकिन जब भी किसी ने ऊंचा बोला तो हमें सुनाई दिया। लंदन में मौजूद जापानी सफीर हायेशी मैसन है। बरतानवी हुकूमत रूसियों को कुचलने के लिए जापानियों को मैसन तंजीम के जरिए मदद फराहम कर रही है। हमने सुना कि हेकलर को रूस और जापान की मुमकिन जंग के हवाले से एक हुक्मनामा दिया गया है। सुल्तान मौसम, यह हुक्मनामा बरतानवी हुकूमत की तरफ से मैसन ओदेदारान को दिया गया था, जो इस मसले पर काम कर रहे थे। यानी बरतानवी हुकूमत ने ये सारा मंसूबा मैसन की मदद से तरतीब दिया था। जी। तो आखिर ये वाकया कब पेश आया? 4-5 माह पहले। यानी जब हेकलर यहाँ सफीर के ओहदे पर फाइज था। हमारे पास ये कच्चा मौका है। अगर हम हेकलर के पास मौजूद उस हुक्मनामे को तलाश करके उसे बेनकाब कर दें, तो रूसी, बरतानवी और जापानी इतिहाद के बारे में जान जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि वो इस सब का जिम्मेदार मैसन तंजीम को समझेंगे, और बरतानवी मैसन के अजीम लाज की हिमायत करना बंद कर देंगे। चाहे वो अजीम लाज क्यों ना हो, मगर वो एक रियासत की हिमायत से महरूम हो जाएंगे। बेटे, अब हमारे पास एक अहम हदफ है। हेकलर के पास मौजूद वो खुफिया हुक्मनामा हासिल करना। कैसी तबीयत है अब इनकी? नहीं जानती, तबीबा मुआयना कर रही हैं। क्या हुआ है इन्हें? क्या कोई तशखीस हो सकी? इस हवाले से हमारा कुछ भी कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है शहजादी, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी दी गई दवा इस्तेमाल करने से कुछ ही देर में बेहतर हो जाएंगी। शायद कोई मुजरे सेहत चीज खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। आप हमें सूरत हाल के बारे में मुत्तला कर दीजिएगा। जी जरूर शहजादी, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तो डर गई थी कि सुल्ताना को कहीं कुछ हो ना जाए। क्या वाकई इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया है ना, यहाँ वापस आने के लिए? नाइमे, महल वापस आने के लिए इन्हें इससे अच्छा बहाना नहीं मिल सकता था। सही कहा। और आपने इनकी मदद की है ना, तो बताइए खुद को बीमार करने के लिए इन्होंने ऐसा क्या खाया कि वापस आने का बहाना मिल सके? सुल्ताना, ऐसा कुछ नहीं, हम हरगिज ऐसा कोई मंसूबा नहीं बना सकते। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? महल वापस आने के लिए वो ऐसा मंसूबा क्यों बनाएंगी? ताकि इन पर तर्स खाया जाए। इन्होंने सोचा कि बीमार हो जाएंगी तो सुल्ताने मौसम माफ कर देंगे और ये उनकी तवज्जो हासिल कर पाएंगी। ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगी। हम इस बारे में बाबा को बता देंगे। आप सुल्ताना के बारे में गलत सोच रही हैं। उनका दिल आईने की तरह साफ है। वो झूठ नहीं बोलती, फरेब देना नहीं आता इन्हें।
आप अपनी राय अपने पास रखें इम्साल खादमा। जब आपकी सुल्ताना को होश आ जाए तो इन्हें बता दीजिएगा कि हम बेवकूफ नहीं हैं। सच सामने आ जाएगा, परेशान नहीं हूं। सुल्तान मुअज्जम के इंसाफ पर हमें यकीन है। तताव लाली, क्या मैंने तुम्हें तंबी नहीं की थी कि हमारी दोस्ती में कोई धोखा दही ना करना? कैसा धोखा? क्या तुमने कराकिन को नहीं बताया कि हम उसे रेलगाड़ी में पकड़ने वाले हैं? मैंने कराकिन को कुछ नहीं बताया। रेलगाड़ी वाला मंसूबा भी वैसा ही बताया जैसा तुमने कहा था। क्या वो भाग गया? धमाका कर दिया उसने। अपने साथ बम लाया था वो और धमाका करके खुद भी मर गया। मतलब कराकिन मर गया? ये तो अच्छी खबर है। मतलब तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया? मुझे गोली भी उसी ने मारी है अशरफ। तुम्हारे साथ इत्तेहाद करने की सजा मिली है मुझे। तुम्हारी तरफ आते जाते देख लिया था उसने मुझे। मेरा ताकुब किया गया। अगर उसे मालूम हो गया था कि तुम मुखबिर हो तो फिर उसने तुम्हें कंधे पर गोली क्यों मारी? तुम्हें मारने के बाद वो मुझे मारता। उसने कहा कि वो हिसाब लेने आएगा, फिर गोली मार के चला गया। आला, हमारी जान लेने के ख्वाहिशमंद अपनी कब्रों में मौजूद है तताब वाली, लिहाजा हमें धोखा देने से पहले तुम भी अपना हाल सोच लो। इस गीदड़ का जख्म अभी ताजा है कमांडर, 2-3 घंटे पहले ही गोली लगी होगी। और इत्तेफाक देखिए कि हमने काराकिन को कल रात ही मारा है। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें वो रोज नामचे हासिल करना होगा जो ये 3 कैवान के लिए रखता है। तुम वो रोज नामचा तलाश करके मेरे पास लाओ, फिर हम इसे वो सजा देंगे जिसका ये मुस्तहिक है। तभी बाइशा वाला मसला हल हुआ? हल हो गया, हम उसका ताकुब कर रहे हैं। ठीक है, उस लड़की को उठाकर मेरे पास लाओ। कोई मसला नहीं होना चाहिए। निकलते हुए किसी को यहां सफाई के लिए भेजो। तुम्हारा भाई काराकिन मारा गया, तुम्हारा भाई आर्मेन मारा गया। अशरफ अजीज, उसने मेरा मजाक उड़ाया, मगर मैं भी उसे कब्र तक पहुंचा के ही दम लूंगा। अशरफ अजीज को छोड़ूंगा नहीं मैं। इस तरह फजूल मंसूबे बनाकर हम अशरफ अजीज का काम तमाम नहीं कर सकते। अब ऐसा कोई नहीं जिसकी वफादारी पर यकीन किया जा सके। यानी तुम्हें फिर से मेरी इताअत करनी होगी। अब हम दोनों मिलकर अशरफ से इंतकाम लेंगे। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। नाइमे बेटी। बाबा जान,
कही है बेटी? हमें ये बताना है कि सालिया सुल्तान महल वापस आ गई है। जानते हैं बेटी, हमें तबीबों की तरफ से नतीज का इंतजार है। इंतजार की जरूरत नहीं बाबा जान, सालिया सुल्तान की बीमारी की वजह पोशीदा नहीं। क्या वाकई तबीबों ने कोई फैसला किया? तबीबों ने अभी तक कोई तशखीस नहीं की है, लेकिन हमें लगता है सालिया सुल्तान ने खुद को जानबूझकर बीमार किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? तबीबा ने बताया कि सालिया सुल्तान किसी खाने या पीने वाली चीज से बीमार हुई है। हमें लगता है सालिया सुल्तान ने खुद को जानबूझकर बीमार करने की कोशिश की है। वो महल वापस आकर आपकी तवज्जो हासिल करना चाहती है। महल में कयाम के लिए उन्होंने यही बहाना तलाश किया। मलिका सालिया को महल में कयाम के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं बेटी, वो जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। हमने खुद भी उनसे यही कहा है। हमें लगा कि आपने उन्हें वालिदा की जैसा बर्ताव करने पर निकाल दिया है। नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया वो काबिले सताइश नहीं, मगर उन्होंने ये हमारी खुशी की खातिर किया, इस पर हम उनसे नाराज नहीं। यकीनन। और आप, क्या आप अपनी वालिदा की तरह बर्ताव नहीं कर रही? हम देख रहे हैं कि मलिका बीदार के वहम की आदत आप में सरायत करती जा रही है। आप अपनी वालिदा की तरह बिला वजह शुभात पाल रही हैं। हम नहीं चाहते कि वो आपकी रहम दिली की वजह से आपको गुमराह करे। आप बेफिक्र रहिए, जो हमें गुमराह करना चाहेगा वो खुद गुमराह हो जाएगा। अगर ये उनका कोई मंसूबा है तो एक दिन सच्चाई वाज़े हो जाएगी, उस वक्त हम भी एहतियाती तदाबीर कर लेंगे। मैं दरख्वास्त करती हूं अपनी आंखें खोले सुल्ताना। अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए किया ताकि आपको आपका हक मिले, आप सुल्ताने मौजम के पास वापस आ सके। आप ठीक हो जाएंगी सुल्ताना, सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा, अब सुल्ताने मौजम आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं देंगे। सब ठीक हो जाएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ सुल्ताना। हम देखने आए थे कि कैसी तबीयत है इनकी, दवा के बाद कोई बेहतरी आई इनमें? नहीं सुल्ताना। महल से जाते हुए तो सब ठीक था बिल्कुल, फिर अचानक ही कैसे हो गया? उदासी की वजह से, जो कुछ हुआ उसकी वजह से सुल्ताना बहुत परेशान थी, हर वक्त रोती रहती थी। उनका दिल इन हालात को कबूल नहीं कर पाया। सुल्ताने मौजम को हकीकत मालूम नहीं थी कि सालेहा सुल्तान के खिलाफ साजिश की गई है, और उनसे ये सदमा बर्दाश्त न हो सका। अच्छा हुआ इस सदमे की वजह से इनकी मौत वाकई नहीं हुई। काश के सुल्ताने मौजम को मालूम होता कि लिबास और खाने वाले मामले में सालेहा सुल्तान की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक साजिश थी। मुझे यकीन है कि सुल्ताने मौजम की तसल्ली देने से सालेहा सुल्तान की सेहत बेहतर हो जाएगी। मैं बहुत मुतजस्सिस हूं, क्या सैलानिक में अजीम लॉज का मरकजी इजलास हो गया होगा? इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर अब्दुल हमीद ने किसी को पकड़ा होता तो खबर मिल जाती। अजीम लॉज का इजलास जरूर हुआ होगा, बेफिक्र रहो। कौन हो तुम? चोर को पकड़ने का वक्त आ गया है।
मैं ये मामला संभाल लूंगा। आप आ जाएं, सब लोग अंदर आएं, आ जाएं, जल्दी आ जाएं, सब लोग मेरे सामने खड़े हो जाएं, चलें चलें, जल्दी करें, जल्दी आएं। दरअसल आज तक मैं अपने काम में मसरूफ रहा और चोर वाले मामले को नहीं निपटा पाया। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं ये बात भूल चुका हूँ, ये मसला रियासत का मसला है। इसका रियासत से क्या ताल्लुक पाशा? चुप बदतमीज, जिसने मेरी बहन को नुकसान पहुँचाया उसने मुझे नुकसान पहुँचाया। क्या मैं रियासत का पाशा नहीं हूँ बेटा? मुझसे ताल्लुक रखने वाला हर मसला रियासत का मसला है। अब आप सब लोग बाहर चले जाएं, मैं एक एक करके सबसे सवाल करूंगा। खादिम मेरे सामने आओ, तुम आओ यहाँ। हाँ तो खादिम साहब, तफ्तीश शुरू करते हैं। बताओ जरा, तुम उस रात कहाँ थे? मैं अपने कमरे में सो रहा था। बेटा तुमने तो बात की शुरुआत ही झूठ से कर दी है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। चुप। उस रात तुम्हें चने खाते देखा गया था? तौबा करें पाशा, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ चनों की होती तो खैर थी। मैंने ये सुना है कि चनों के साथ साथ ये पिस्ते भी खा रहा था। बहुत गलत बात है, बहुत गलत। खादिम साहब, अगर तुम चोर को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हारी सजा मुआफ कर देंगे। तुम उस रात बावर्ची खाने में थे, चनों पर हाथ साफ कर रहे थे और इस दौरान तुमने किसी को देखा मगर उसे पहचान नहीं सके। वो इंसान औजार वाले डब्बे में कुछ तलाश कर रहा था। सबब था? क्या था? क्योंकि उसे वहाँ से कोई ऐसा औजार लेना था जिसकी मदद से वो आपकी तिजोरी तोड़कर सोना चोरी कर सके। तुम आपा को बताओ कि जो कुछ मैंने कहा है वो तुमने अपनी आँखों से देखा था। चलो एतराफ करो कि ऐसा ही हुआ था। पाशा मैं उस रात अपने कमरे में सो रही थी। खामोश, तुम रियासत के पाशा को झुठला रही हो। ऐसी बात नहीं है पाशा। पाशा के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्या तुम इनकी हालत नहीं देख रही? देखो जरा कितनी परेशान है ये। बेचारी का कानी जैसा एक बेटा है, उस पर जुर्म ये कि इनका सारा सोना चोरी हो गया। तरस नहीं आ रहा है इन पर? अच्छा तो उस रात तुम अपने कमरे में सो रही थी और फिर बाहर होने वाले शोर शराबे की वजह से तुम्हारी आँख खुल गई। तुमने औजार वाले डब्बे में किसी को हाथ मारते हुए देखा लेकिन अंधेरे की वजह से तुम उस शख्स को पहचान नहीं सकी। एतराफ करो कि ऐसा ही हुआ था। आपसे झूठ बोला गया। कैसा झूठ? क्या तुम रियासत के एक पाशा को झूठा कह रहे हो? बावर्ची, ये बताओ तुम हमेशा हरी हरी सब्जियां ही क्यों पकाते रहते हो? यानी के अल्लाह ताला ने हमें बकरे की रान, पाए और मुर वगैरह अता किए हैं, मगर ऐसा क्या मसला है जो तुम हमारे दस्तरखान तक भुना हुआ गोश्त, तली हुई मुर्गी, मछली वगैरह को पहुंचने ही नहीं देते? आखिर क्यों? मैं वही बनाता हूं जो मुझे दिया जाता है। चुप कर जाओ। सब जानते हैं कि तुम गोश्त और मुर्ग जैसी चीजें अपने घर ले जाते हो। नहीं, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम्हारा जुर्म बिल्कुल काबिले मुआफी नहीं। मुआफ कर दे पाशा। मैं तुम्हें मुआफ कर सकता हूँ लेकिन इस चोर वाले मसले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। तुमने आपा के कमरे में किसी को जाते हुए देखा था और जब मैंने तुमसे पूछा कि वो इंसान कैसा दिखता था तो तुमने मुझसे कहा कि कदकाठ में बिल्कुल कानी जैसा था, उसके बाल, उसकी रंगत, जिसामत वगैरह बिल्कुल कानी की तरह थी, उस पर कानी का गुमान होता था। इधर देखो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, तुमने यही कहा था ना? जी पाशा, देखा था। सुन लिया आपा आपने, उस रात इसने कानी को आपके कमरे में जाते देखा था। बदकिस्मती से बावर जी, तुम बेकसूर हो, जा सकते हो। कानी से जाकर कहो कि मैं बुला रहा हूँ, जाओ। अब ये मसला हल कर लूंगा मैं। आपको दुख तो होगा मगर हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ बाबा, मैं कर्ज के बदले में पैतरों के बेटे की जगह चाहता हूँ। कान खोलकर सुन लो कि उस जगह पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अब्दुल्ला, अपनी मौत को आवाज मत दो। सबर से काम लो, मौत और सजा का फैसला हम करेंगे। इतनी जल्दी मत करो अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने उसे कर्ज दिया था, इसका कोई सबूत है? जाफ जाफ तेजी, वो इस मामले से वाकिफ था। हाँ वो खुद तो जिंदा नहीं है मगर हो सकता है उसने ये बात अपने रोज नामचे में लिखी हो। तुम्हारे पास जाफ जाफ का रोज नामचा है तो तफलाली, उस पर तस्दीक करो कि आया कर्ज का इंदराज है भी या नहीं, उसके मुताबिक फैसला करेंगे।
इस फैसले में रोजनामचे का क्या काम? हो सकता है ये गलत फहमी हो, शायद उसने अब्दुल्ला के वालिद शुक्रों के साथ मिलकर झूठा इंदराज किया हो। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने पहले भी कहा था कि ऐवान के फैसले इंसाफ पर मबनी और तमाम तर तहकीकात के बाद ही किए जाएंगे। वो रोज नामचा देखो तो तबला ली, वरना आज वहां सबसे पहले जो चीज लिखी जाएगी वो तुम्हारी मौत होगी। आयशा साहिबा कहाँ जा रही हैं? सोचा अली उस्मान को बाहर ले जाऊं, थोड़ी ताजा हवा खा लेगा। अशरफ भाई को बताया आपने इस बारे में? नहीं, मगर इस बारे में उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे। ठीक है, तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आपको तो और भी काम होंगे ना? कोई काम नहीं, और वैसे भी हम यहाँ बिला वजह नहीं है आयशा साहिबा। बाबा और आसिफ के साथ जो हुआ आपको इल्म है, ऐसे हालात में मोहतात रहना बहुत जरूरी है। आप लोग जाएं, मैं आपके पीछे आती हूँ। तो कानी साहब, खादिम ने मुझे बताया कि उस रात औजार वाले डब्बे में कोई शख्स कुछ तलाश कर रहा था। बेटा, उस अलमारी की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास थी। हाँ, मगर मगर उस रात खादिमा भी शोर की वजह से जाग गई थी, और जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने एक चोर को देखा। अरे नहीं। हाँ, और बावर्ची ने तो उस रात आपा के कमरे में दाखिल होने वाले चोर का हुलिया भी बताया है। उस चोर का हुलिया बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मेरे जैसा? क्या तुमने मेरा सोना चोरी किया है कानी? नहीं वालिदा, मैंने नहीं चुराया। कानी ऐसा नहीं कर सकता आपा, ये मेरे बेटे जैसा है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस पर शक है तो फिर हम यूं करते हैं कि इसके कमरे की तलाशी ले लेते हैं। खादिम साहब, खादिम साहब, सुनिए, जाकर कानी साहब के कमरे की तलाशी लीजिए, देखते हैं कोई मशकूक चीज मिलती है या नहीं। और हाँ रुको, उस कमरे में एक सिया रंग की अलमारी है, उसकी भी अच्छी तरह तलाशी लेना। जाओ प्यारी बहन, हम तलाशी ले तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा प्यारा बेटा कानी ऐसा कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है, ये हमें धोखा कैसे दे सकता है? क्या हम इतने सालों से अपनी आस्तीन में सांप पाल रहे हैं? आह, अगर कोई इंसान आज अपनी माँ के माल पर नजर रख सकता है तो कल वो अपनी माँ को घर से निकाल भी सकता है। ऐसे इंसान से कुछ भी बईद नहीं, माज़अल्लाह। लेकिन अगर इसने किसी दिन आपको घर से निकाल भी दिया तो बेफिक्र रहें, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा बहन, अपने पास ले आऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सबुहा बहन, पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। जी हाँ, ले आओ बेटा, ले आओ, अब लाओ मुझे दो। क्या ये सब तुम्हें इसके कमरे से मिला है? या मेरे अल्लाह, ये क्या है? ये देखिए आपा, ये सब इसके कमरे से मिला है। मैं कसम खाता हूँ कि तुम जैसे बेटे पर मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें मीरास से आग करती हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इस बेशर्म को इस कमरे से ले जाओ, ले जाओ इसे। वालिदा, मेरी बात तो सुने, दूर कर दो, ले जाओ, ले जाओ। वालिदा, चेहरा मत दिखाना मुझे, ले जाओ इसे। बेशर्म इंसान, आपने बहुत अच्छा फैसला किया आप, यकीन कीजिए, गद्दार लड़का। अच्छा हुआ कि हमें थोड़ा आराम का मौका मिल गया। तो क्या सोचा आपने? हम सब मिलकर एक खेल खेलेंगे। कैसा खेल? ताश की तरह का खेल, मगर इस बार हारने वाला
सिर्फ एक ग्रोह होगा, उस्मानी। मैं एक तवील अरसे से इस लम्हे का मुंतजिर था, वो लम्हा जब हम एक लॉज बनकर उस्मानी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े करेंगे। हमारे खेल का नाम है आखिरी पर्दा। जब पर्दा गिरेगा तो उस्मानियों को मात हो जाएगी, और जब पर्दा उठाया जाएगा तो अजीम उस्मानी सल्तनत के नक्शे पर छोटी छोटी रियासतें मौजूद होंगी, और वो सब हमारे इख्तियार में होंगी, सब हमारी होंगी। हम ये खेल कैसे खेलेंगे? बताता हूं। ये अखबारात हैं, मालूमात की ताकत। अब्दुल हमीद के सबसे ज्यादा करीबी लोग आप, उसके वफादार लोगों को दुश्मन की हैसियत से मैदान में लेकर आएंगे। ये सारे मुसल्ला ग्रुप बल्गारिया, रूमी, आर्मेनी, सर्बियाई आपके काबू में हैं। जनाब फर्नांडस, तमाम मुआशी ताकत, मालियाती इदारे, हिस्स बाजार और सूदखोर सब आपके, और आपके जनाब तमाम मवासलाती जराए, इसके अलावा जनाब ये आपके उस्मानियों के तरबियत याफ्ता सिपाही, हमारी ताकत, और ये मेरे खारिजी मामलात। बरतानवी हमारे सबसे बड़े हामी हैं। आज अगर हम इस मेज पे इकट्ठा हैं तो इसकी वजह बरतानवी हुकूमत ही है। आखिर इन निशानात का क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं है। हमने बगैर तार वाले निजाम की हिफाजत के लिए कुछ जगहों पर अस्करी चौकियां बनाई हैं। महसूल, जैसे जैसे महसूल में इजाफा होगा, आवाम खुद को हुकूमत के दबाव में महसूस करेगी। नायम सुल्तान को आप खुशखबरी दे दें, क्योंकि हिस्स बाजार में उन्हें बहुत मुनाफा हुआ है। क्या वाकई? वो भी इतनी जल्दी? मैं गवाह हूं कि पेड्रो ने शुक्रू से 35,000 लीरा लिए हैं। गवाह के दस्तखत मौजूद हैं। अगर मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं लिखा तो वो कहेंगे कि मुझे लाकर दिखाओ। पादरी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें खुद गुस्ल दूंगा। अली उस्मान को किसी ने इग्नोर कर लिया।